साइबर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, थानाधिकारी संजय आर्य के नेतृत्व में दबोचे गए साइबर ठग। 20 लाख रुपए की ठगी करने वाले दो शातिर गिरफ्तार, गीतिका धंजल और नवीन राणा को किया गया है गिरफ्तार। पुलिस ने यूपी के नोएडा से उन्हें किया है गिरफ्तार। ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए की थी लाखों रुपए की ठगी, फर्जी तरीके से कंपनी का मैनेजर बनकर की थी दर्जनों वारदात लोगों से ठगी। पुलिस कर रही है आरोपियों से पूछताछ। इस मामले की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन पर जुड़ चुके हैं अरविंद। अरविंद, बताएं कि पुलिस ने उन दोनों ठगों को गिरफ्तार कर लिया है और क्या पूछताछ में सामने आया है? हाँ बिल्कुल रौनक, जो चूंकि साइबर थाना जो पुलिस है यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई की है इन्होंने, और संजय जो आ रही है थाना अधिकारी उनके नेतृत्व में यहाँ पर दो शातिर जो ठग हैं जो साइबर ठगी करते थे उनको यहाँ पर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मामला था शिप्रापत थाने के अंदर आया था, जब यहाँ पर जो परिवादी था पदम उसने यहाँ पर मामला दर्ज कराया था कि जो ग्लव फैक्ट्री है, ऑनलाइन जो शॉपिंग है जिससे कपड़े वगैरह जो भी चीज है शॉपिंग होती है उसके नाम पर ये ठगी की गई थी। चूंकि जो परिवादी था उसको इन दोनों ठगों ने फोन किया और ये कहा कि तुम लकी ड्रॉ के जरिए तुम्हें ये गिफ्ट मिला है और साथ में तुम्हें एक्सयूवी जो कार है वो मिली है, और इसके नाम पर इन्होंने परिवादी के जो अकाउंट के अंदर करीब 19 लाख रुपए है वो इन्होंने डलवा लिए। दो चार अकाउंट थे तो चारों अकाउंटों के अंदर यहाँ पर जो शातिर ठग हैं इन्होंने ठगी करते हुए यहाँ पर अब जो परिवादी से अलग अलग तरीके से यहाँ पर जीएसटी के नाम पर कभी रजिस्ट्रेशन के नाम पर करीब 19 लाख रुपए की जो रकम है वो यहाँ पर डलवा ली थी। इसके बाद जब मामला पीड़ित ने जब शिप्रापत थाने में मामला दर्ज कराया तो यहाँ पर शिप्रापत थाना पुलिस से जो नाकाम रही उसके बाद यहाँ पर पूरा मामला है कुछ अधिकारियों की तरफ से यहाँ पर जो मामला है साइबर थाने को सौंपा गया। उसके बाद यहाँ पर जो साइबर थाना पुलिस है जो संजय आर ने थाना अधिकारी उन्होंने पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए यहाँ पर दो शातिर ठग है जो गीतिका है इसके अलावा एक नवीन, इन दोनों शातिर ठगों को यहाँ पर गिरफ्तार किया है। इसके अलावा जो इनके जो और भी जो साथी है जिनका और भी जो नेटवर्क है उनका यहाँ पर पुलिस है पता लगा रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर ये जो दोनों आरोपी हैं ये दिल्ली नोएडा के रहने वाले हैं, रोहिणी में रहते हैं, इनका एक बड़ा नेटवर्क है। ये ऑनलाइन जो शॉपिंग जो साइट्स होती है उनके जरिए ये जो पीड़ित जो लोग हैं देश भर के अंदर वहां पर ये ठगी करते हैं। से पूछताछ की गई है, कैसे अभी तक क्या पूछताछ की गई? तो 20 लाख रुपए की ठगी करने वाले हैं, तो इसके अलावा इन्होंने और कितनी वारदातों को अंजाम दिया है क्या इसके बारे में कुछ पता लगा आपको? बिल्कुल, यहाँ पर जो पुलिस है जो इनसे पूछताछ कर रही है प्रारंभिक जो पूछताछ हुई है इसमें सामने आया है कि ये जो दोनों आरोपी हैं पूरे देश भर के अंदर लाखों रुपए की जो ठगी है वो कर चुके हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर ये ठगी करते हैं, अलग अलग शहरों के अंदर ये जो फोन कॉल के जरिए कॉल करते हैं और जो पीड़ित जो लोग हैं जो कस्टमर्स जो हैं उनको यहाँ पर लकी ड्रॉ के नाम पर ये लोग फोन करते हैं, और उसके बाद जो पीड़ित जो लोग हैं वो अलग अलग अकाउंटों में यहाँ पर इनको जो लालच में आकर के जो पैसा जमा करा देते हैं, और इसी तरीके का पूरा इनका जो नेटवर्क है अलग अलग शहरों के अंदर इनका जो नेटवर्क बैठा हुआ है वो नोएडा जो कॉल सेंटर के जरिए ये लोग फोन करते हैं। और आज उसी तरीके से यहाँ पर साइबर थाना पुलिस ने इन दोनों शातिर ठगों को यहाँ पर दबोचा है। फिलहाल पुलिस की जो रेड है वो नोएडा के अंदर लगा, यहाँ पर जो साइबर थाना पुलिस ने रेड मारी थी उसके बाद यहाँ से जो कई जो शातिर ठग थे वो वहां से फरार हो गए थे, लेकिन साइबर जो थाना पुलिस है उनका दावा है कि यहाँ पर जो पूरा जो नेटवर्क जो चल रहा है उसको यहाँ पर जल्द से जल्द यहाँ पर उसका पर्दाफाश किया जाएगा, जो और भी जो मामले में जो आरोपी जो फरार चल रहे हैं उनको यहाँ पर जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। जी यदवेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार साइबर टीम अपनी कार्रवाई कर रही है, पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। फिलहाल जयपुर के शिप्रापत थाना इलाके की ये बड़ी कार्रवाई है, पुलिस की साइबर टीम ने इस बड़ी कार्रवाई को। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।